हरदा की घटना के बाद एक्शन मोड में शिवपुरी जिला प्रशासन, चार आतिशबाजी गोदाम शील्ड। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए हादसे के बाद शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देश पर दल बनाकर जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने शहर में एक साथ छापामारी की तो कहीं अग्निशमन यंत्र ही नहीं मिला तो कहीं एक्सपायरी डेट का अग्निशमन यंत्र लगा मिला, जिसके चलते लापरवाही बरतने वाले आतिशबाजी गोदाम धारकों के खिलाफ गोदाम सील करने की कार्यवाही की गई। जिला प्रशासन की टीम ने जब शिवपुरी के बड़ा बाजार निवासी अग्रवाल के गोदाम पर जब निरीक्षण किया तो यहां आतिशबाजी का नवीनीकरण हो नहीं था, जबकि आतिशबाजी विक्रेता नवोदित खंडेलवाल के यहां अग्निशमन यंत्र न मिलने की बात कही। मनोज जैन के यहां आतिशबाजी का नवीनीकरण नहीं मिला और क्षमता से अधिक आतिशबाजी भरी मिली, जबकि प्रत्येक खंडेलवाल के यहां गोदाम की शर्तों का पालन ना करते हुए टीम ने देखा, जिस पर इन चारों के खिलाफ आतिशबाजी के गोदाम सील करने की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि अभी गोदाम सील करने की कार्यवाही की गई है, जांच में अनियमितताएं पाई जाने पर आगे और सख्त कार्यवाही की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहा जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने शिवपुरी से नासिर खान की रिपोर्ट। पटाखा फैक्ट्री में जो हादसा हुआ उसके बाद प्रदेश में कहीं भी पुनर्वृत्ति ना हो उसको लेकर शिवपुरी में क्या किस तरह के कदम उठाए गए? इसमें जो मैंने मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे, कल हमने अलग से दल बना करके विभिन्न जो SDM SDOP इन सब का, तो जितने हमारे आतिशबाजी सबके लाइसेंस या स्टोर करने वाले सब थे वो सारे चेक कराए हैं, जिसमें चार गोडाउन सील किए गए हैं। सीस में भी जहाँ थोड़ी मोड़ी कमी है, कुछ जो सही थे वो तो ठीक है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई अभी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर अघोषित रोज ये तो घोषित भंडारण है, अगर अघोषित तरह से कहीं भी कोई भंडारण करता है हमें सूचना आएगी तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, चूँकि छुपा करके करते हैं और फिर कभी ये बड़ा हादसा बोल लेता है, तो हमारी भी खुद के स्तर से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, ये नवीनीकरण का जो रहता है सर, वो कितना समय का होता है एक अंदाज? लेकिन नवीनीकरण का तो उनको सपोज करें कि मार्च 2024 तक का अनुमति है, तो 24 तक तो कर ही सकते हैं, उन्होंने रिन्यूअल का दे रखा था, यदि रिन्यूअल उनका होता नहीं है 24 मार्च तक में नहीं है तो फिर उसके बाद से फिर वो तो सेल नहीं कर पाए। सर, इसलिए मैंने ध्यान आकर्षित किया कि अभी दिवाली निकली है रिसेंटली और जो आपने गोदाम सील किए हैं ये सर सब कद्दावर लोग हैं, मतलब अच्छे रसूख वाले भी हैं, तो वो और चेक करा लीजिएगा सर, अगर ये तब भी था कि नहीं दिवाली। सर, जो सील किए हैं गोदाम सर, उसमें अधिक मात्रा में पाए गए कि इनके कागजों में या नवीनीकरण देखे? वो कल शाम तक हमें डिटेल रिपोर्ट हम देख ही रहे और चाहे जिस स्तर से होगी, पहला तो ये है कि जो निर्धारित मात्रा जो जितने तक का वो है वो उससे ज्यादा है या नहीं है ये चीजें देखना, सेकंड की जिन जिन चीजों के लिए वो अनुमति है उनको, उनसे बाहर का तो नहीं कोई आयुध या किसी तरह का वो फायर जो ये कहे कि हम आतिशबाजी के सामान जो रखे हुए हैं, तो ये सब सभी अभी हम इसमें क्या की जो कोलारस में मिला, कोलारस में उसके पास अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुका था, शिवपुरी में एक जगह अग्निशमन यंत्र ही नहीं मिला, अब पटाखे की दुकान पे अग्निशमन यंत्र नहीं होगा सर, तो ये सील होने से थोड़ी कुछ होगा सर, कार्रवाई होगी सर इस पे? हाँ, कार्रवाई भी होगा, कार्रवाई भी होगा। अब सील तो है कि तात्कालिक है सर, कि आपने नहीं किया तो तात्कालिक तो क्या करेंगे, तात्कालिक वही है, फिर उसके पीछे जिसे हमारे पास रिपोर्ट्स आते हैं तो ये निर्देश यही थे कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही करेंगे, उसके बाद जैसे रिपोर्ट्स आते हैं स्पेसिफिक हर एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।